हिमाचल विधानसभा बजट सत्र का तीसरा दिन है। अनुपूरक बजट चर्चा के उपरांत पारित होगा। बीजेपी विधायक रणधीर लाएंगे आकर्षण प्रस्ताव, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव होगा और अलीगढ़ जल विवाद पर ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लाया जाएगा। राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा का अंतिम दिन भी है। और ज्यादा जानकारी के लिए खबरें अभी तक के शिमला ब्यूरो प्रदीप ठाकुर इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रदीप, बजट सत्र में आज का दिन कितना खास रहेगा? बिल्कुल आरती, देखिए काफी अहम है बजट सत्र, और अगर आज के दिन की बात करें तो आज अनुपूरक बजट को भी पारित किया जाना है, क्योंकि पिछले कल मुख्यमंत्री ने सदन में इस बजट को पेश किया था। 10,300 करोड़ के आसपास का ये अनुपूरक बजट है, और जब भी सामान्य बजट से अतिरिक्त जब खर्चा हो जाता है तो उस स्थिति में अनुपूरक बजट के रूप में उसे विधानसभा में लाया जाता है, इसे पारित किया जाता है, और इसी को फिर विनियोग विधेयक तौर पर यहाँ पर आज पारित किया जाना है। तीसरा दिन है, प्रश्नकाल के साथ 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होगी, लेकिन अब देखना ये होगा कि विपक्ष किस रणनीति के साथ आज सदन में आता है, किस मुद्दे को आज जोर शोर से उठाने की कोशिश करता है। पिछले कल हमने देखा कि जो अलीगढ़ जल विवाद उत्पन्न हुआ है बिलासपुर और अर्की के बीच में, सोलन जिला के अर्की का जो क्षेत्र पड़ता है वहां के लिए पानी ले जाने को लेकर विवाद है, और उसको लेकर वॉकआउट भी विपक्ष ने किया, क्योंकि वहां पर पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज किया गया था जिसमें बीजेपी विधायक रणधीर शर्मा को भी हल्की चोट आई थी और उनकी एक उंगली जो है वो टूटी है, तो उसने उसको सदन में कल उन्होंने विषय इसको उठाया था, लेकिन पिछले कल चर्चा नहीं हो पाई थी। और जो जल शक्ति मंत्री के विभाग पर जवाब सदन में दे रहे हैं कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान, उन्होंने कहा कि मुझे अभी इसकी पूरी जानकारी नहीं है, तो आज इसको ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के तौर पर आज लिस्ट ऑफ बिजनेस में रखा गया है। नियम 62 के तहत इस पर चर्चा होगी और उसमें कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान इस पूरे मामले पर जवाब देंगे, तो देखना होगा इस दौरान भी सदन में गहमागहमी जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है, और उसके बाद जब ये सामान्य बिजनेस समाप्त हो जाएगा उसके बाद राज्यपाल के अभिभाषण पर जो चर्चा शुरू हुई है उस चर्चा को आगे जारी रखा जाएगा और आज ही इसका समापन होना है। मुख्यमंत्री ने 2-3 चली चर्चा का आज उत्तर देना है। जी अच्छा, अनुपूरक बजट को लेकर भी देखिए कई ऐसी खबरें हैं जो सामने आ रखी हैं, कई ऐसे विषय हैं जो चर्चा में बने हुए हैं, अनुपूरक बजट को लेकर क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए 10,300 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया गया है पिछले कल, और आज उस पर चर्चा होनी है, उसके बाद उसको पारित किया जाना है। इस दौरान जरूर विपक्ष सवाल उठा सकता है कि आपने एक सामान्य बजट जो पिछले 2023-24 का था उससे ज्यादा आपने पैसा खर्चा है, उसका कहीं ना कहीं विपक्ष जो है हम कह सकते हैं कि उस पर सवाल सरकार से जरूर पूछेगा कि आपने ये पैसा कहाँ खर्च किया इतना ज्यादा, और कि आपको फिर से विधानसभा से परमिशन लेनी पड़ रही है धन खर्च करने की, तो ये तमाम विषय रहेंगे। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं प्रदीप के अनुपूरक बजट को लेकर विपक्ष सत्ता पक्ष पर पूरी तरह से हमलावर आज के दिन नजर आएगा। बिल्कुल, देखिए इस दौरान जब भी अनुपूरक बजट पर चर्चा होती है, क्योंकि ये बजट वो बजट होता है जो सामान्य बजट से अतिरिक्त होता है, और जब कई बार खर्चे बढ़ जाते हैं, हिमाचल में आपदा भी इस बार आई उस वजह से भी अतिरिक्त पैसा खर्च किया गया है, और उसके साथ साथ जो राजकोषीय घाटा भी बढ़ गया था उसकी पूर्ति के लिए लोन भी लेना पड़ा है, ओवरड्राफ्ट जैसी स्थिति भी बनी थी, तो ये तमाम चीजें रहती है, इस वजह से अलग अलग हेड्स में ज्यादा पैसा खर्चा हुआ है, जिसमें अगर बात करें तो सामान्य तौर पर जो केंद्र प्रायोजित योजनाएं होती हैं, राज्य की योजनाएं होती हैं, और उसके साथ जलपूर्ति की योजनाएं होती है, पेंशन और अन्य जो सेवा निवृत्ति के लिए जो लाभ दिए जाते हैं उसके लिए भी 442 करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्चा इस बार हुआ है, केवल पेंशन और जो बाकी सेवानिवृत्ति के दौरान लाभ दिए जाते हैं, तो बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जिनको लेकर सवाल यहाँ पर विपक्ष पूछेगा, हालांकि सत्ता पक्ष के पास बहुमत है और ये बजट पास होना है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी प्रदीप आपने दर्शकों तक पहुंचाई है। तो अनुपूरक बजट को लेकर सत्ता पक्ष पर विपक्ष हमलावर है, आज के दिन सदन में काफी गहमा गहमी देखने को मिलेगी।